लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी। ओ सार्थक, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। जाओ जाओ जाओ। हम सार्थक, तुम्हें मजाक लग रहा है? सच में दरवाजा नहीं खुल रहा। सीरियसली? हाँ। खुला? किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, लेकिन किसने? सार्थक, अगर पापा ने हमें यहाँ देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हे भगवान, तुम प्लीज कोशिश करो ना, कुछ भी करके दरवाजा खोलो। तुम रुको, सोचने दो। बोलो बेटा, कानपुर के टॉम क्रूज, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? यही मार्केट में। अरे चौराहे पर खड़े टिमटिमा रहे। अबे तुम काम बताओ ना। अरे टिमटिमाना बंद करो और फटाफट कॉलोनी आओ। यहाँ पर बिना किसी को बताए पंप हाउस की तरफ आना। हम यहाँ फंस गए, हमको निकालो यहाँ से आकर। हैं? अबे तुम वहाँ करने कहाँ गए थे? सारी फसल तुम अभी काट लो, मैं बताएंगे बाद में। और हाँ, किसी को कुछ मत बताना इस बारे में, वरना बता रहे भगवान कसम हम तुम्हारी बत्ती सी तोड़ देंगे। अरे हाँ, सुलगो मत, आ रहे। क्या हुआ? सृष्टि अभी तक ना मिली का? हाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही वो। हाय दया, ये बिचारी लड़की अकेली कहाँ गुम हो गई? अब देखिए ना, अगर कहीं अकेली है, चक्कर आ गया तो क्या करेगी बिचारी? कि आजकल के बच्चे हैं ना, कोई बात सुनते ही नहीं है। पता नहीं कहाँ का चलता है उनके मन में। क्या हुआ, कहाँ देख रही है? जाइए ढूंढिए उसे। चुहिया तो सार्थक से चिपकी रहती है, उसको जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। ये कौन सी गुफा में घुस गए? इसका फोन ही नहीं लग रहा। सृष्टि, सुनिए। हाँ। वो घर में पानी नहीं आ रहा, वो लगता है जागरण के चक्कर में टंकी खाली होगी। अब जरा पंप हाउस जाकर पानी चलवा दीजिए। दीरा, यहाँ सृष्टि गायब है और तुम्हें पानी की पड़ी है। तो घर में मेहमान आने वाले हैं, चाय नाश्ता नहीं बना तो पापा अलग गुस्सा होंगे। और सृष्टि का क्या है, वो कोई बच्ची थोड़ा ना जो खो जाएगी, आती ही होगी। लेकिन अगर पानी नहीं आया और घर में खाना नहीं बना तो पापा जी की डांट से कोई नहीं बचेगा। अच्छा, हम अभी आते हैं। सर क्या हुआ, कहीं मिली सृष्टि बिटिया? जी नहीं गुप्ता जी, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई। अच्छा आप रुकिए, हम अभी बच्चों से पता करके बताते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो कि वो कहाँ गई है। जी आइए। सर, सृष्टि बिटिया का कुछ पता चला? सर अगर हम आपकी कोई मदद कर पाए तो बताइए। इट्स ओके सत्येंद्र, ये हमारा निजी मामला है, हम संभाल लेंगे। ठीक है सर, पर सीनियर्स की कही हुई बात को जरा सुनना और समझना सीखो सत्येंद्र, और ये झूठी हमदर्दी दिखाकर उनका वक्त नहीं बर्बाद करो, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती होता है।